This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening guys, welcome back to our channel Feenvest. Umeed hai aap sabhi ke trading results se ja rahe honge, agar nahi ja rahe honge to is video ko end tak zarur dekhiyega. Nifty ki baat karein, Nifty humne kal aapko jo hai maine aapko ek suggestion diya tha, kya ya to Nifty agar iske niche jata hai 15,200 के नीचे चलने लगता है निफ्टी, तो आपका जो मार्केट है बियरिश हो जाएगा, वरना निफ्टी जो है न्यूट्रल बुलिश चलेगा. देखने को सेम पैटर्न हमें कल भी यही मिला, न्यूट्रल बुलिश था ना, ज़्यादा अप गया, पहले ये हल्का सा डाउन आया, फिर अप गया, फिर उसके बाद दोबारा से डाउन आया, फिर अप गया, तो ये न्यूट्रल बुलिश के तौर पर हल्के हल्के करके ऊपर बढ़ा. तो चलिए निफ्टी की बात कर लेंगे हम कल के लिए. कल के लिए देखिए फ्राइडे के लिए क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली जो है 60% चांसेस इसके बियरिश रहने के. मार्केट कल बियरिश जा सकता है. बियरिश क्यों जा सकता है, देखिए यहाँ पे जो है लगातार ग्रीन कैंडल बनाए हैं. अब यहाँ से हो सकता है मार्केट जो है यहाँ से एक टर्न ले, वो गैप ओपन होने के बाद डाउन आए. 40% चांसेस इसके अभी भी बुलिश के हैं, वो भी न्यूट्रल बुलिश, बट जो बियरिश के चांसेस है वो ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आने के बाद डाउन आ सकता है. अगर वो लेवल को क्रॉस कर देता 15,200 के, अगेन ये बियरिश मार्केट हो जाएगा. उससे पहले आपको चांसेस हैं कि यहाँ रिवर्सल देखने को फिर से मिल सकता है एक और बार. तो वॉक फार्मा जो था, हमें इसे शॉर्ट सेल करके चलना था 775 पे. इसने अपना लो बनाया है 660 का, तो आप लगा लीजिए इजीली. आज में अगर आप देखोगे 112.50 का इसने दिया है, 14% का डाउन ये आज गिरा है, 14% नीचे ये गिर चुका है, और हमने इसे शॉर्ट करने के लिए था इस लेवल पर. अच्छा खासा स्टॉक था ये, था मैंने आपको मिड कैप का स्टॉक प्रोवाइड किया था, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट काफ़ी लोगों ने बुक किया है. तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा. ऐसे स्टॉक में व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग में. पॉलीमेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया था, इसका जो हमने लेवल ब्रेक बोला था वो बोला था 1024 का, इसने अपना हाई बनाया 1094 का. टाटा स्टील था, टाटा स्टील भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया था. टेलीग्राम चैनल पर इसको बाय करने के लिए बोला था 1088 पर, इसने अपना हाई बनाया है 1108 लगभग समथिंग का. आखिरी स्टॉक है हमारा ATGL, अडानी टोटल गैस. ये मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था हम इसके लिए गैप अप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वो हमारी स्ट्रेटजी काम आई. गैप अप के लिए हम प्रिपेयर थे, तो हमने इसको 1342 पे बाय किया होगा, 1342 के ऊपर, यानी कि 1343 समथिंग पर इसने हमने इसे बाय किया होगा, और इसका हाई बनाया है 1390 का. इजीली इसने अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिया है. उसके बाद ये डाउन गिर गया था भले ही, लेकिन ये जो है स्टॉक ने आपको अपसाइड की मूवमेंट अच्छी खासी दी. जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हेवल्स का चार्ट मैंने आपके सामने खोल दिया है. ये स्टॉक जो है हमने सेलेक्ट किया है आपके कल के लिए, यानी कि 28/2021 के लिए. सबसे पहले देखिए, इसको हमें बाय करना है तो इसका रीज़न जरूर जानना पड़ेगा हमें. बाय और शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो किस रीज़न से हम कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे जो है बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, तो जो पिछले आधे घंटे में, यानी कि मार्केट बंद होने से पहले, बायर्स ने अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई है. उससे पहले सेलर्स ने कोशिश करी थी डाउन आने की, पर बायर्स ने इसे नीचे नहीं आने दिया. जब बायर्स यहाँ से भी अच्छी पोजीशन बनाते हुए आ रहे थे, यहाँ पे इसने एग्जैक्ट जब क्लोजिंग हुई मार्केट की, तो बायर्स ने अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखी. ठीक है, एक रीज़न देखिए, अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है. देखिए लेवल सबसे पहले बन रहा है 1028 का, बाई साइड का शॉर्ट सेलिंग का बन रहा है 1022 का. अब देखिए इसका लेवल जो है मैं आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. देखिए रीजन ये है कि टेलीग्राम चैनल पे अगर स्टॉक जो है गैप अप ज़्यादा ओपन हो जाता है, तो उसके हिसाब से मैं लेवल एडजस्ट कर सकता हूँ टेलीग्राम चैनल पे. तो तीन स्टॉक मैं आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और मिड कैप का चाहिए तो व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब इसको बाय करने का देखिए, यहाँ पे हो सकता है जो बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, कल निफ्टी अगर नेगेटिव खुलता है तो बायर्स जो है यहाँ से अपने जो है जो ऑर्डर है वो सेल करना शुरू करेंगे तो यहाँ आने तक सेलर्स अपनी पोजीशन अच्छी खासी बना लेंगे. उसके बाद जो है नए बायर यहाँ से जो है फ्रेश बायर्स अपना पोजीशन बनाना शुरू करेंगे. हो सकता है इसमें एक रिवर्सल देखने को अच्छा खासा हमें मिले. नो, एक कंडीशन और यहाँ पे बन सकती है, हो सकता है ये स्टॉक जो है गैप ओपन ना होके गैप डाउन ओपन हो जाए, इस लेवल के नीचे जाते हैं मार्केट जो इसका स्टॉक है. देखिए मार्केट तो बियरिश चले ना चले, निफ्टी नेगेटिव जाए ना जाए, ये स्टॉक जो है डाउन आना शुरू कर देगा. तो हैवल्स में देखिए हो सकता है मार्केट जो है डाउन आ सकता है. सेलर्स अपनी पोजिशन, सेलर्स कल ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक बायर्स एक्टिव थे, तो कल सेलर्स का डे हो सकता है. जो है आपका वीकली एक्सपायरी भी आज हो चुकी है, और दूसरी चीज ये है मंथ का एंड है, मंथ की एंड रेट है, तो हो सकता है सेलर्स एक्टिव रह सकते हैं. ठीक है, तो क्या लेवल्स रहने वाले हैं इसके, ये चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. अगला स्टॉक जो हमने आपके लिए चुना है वो है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज. गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, क्योंकि देखिए इसमें भी अभी बायर्स जो थे एट दी लास्ट में एक्टिव थे. हो सकता है कल जो है सेलर्स एक्टिव हो. अब जब हम बाय कर रहे हैं तो रीजन हमें चाहिए, हो सकता है बायर्स यहाँ से दोबारा एक्टिव हो जाए. यहाँ से जो है पहले जो स्टॉक है वो डाउन आया, सेलर्स काफी एक्टिव रहे थे इसमें, फिर जो है बायर्स एक्टिव रहने लगे तो मार्केट क्लोज हो गया,
उसके बाद हो सकता है कल यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहे, एक्टिव रहने के बाद जब ये लेवल ब्रेकआउट करेंगे 1376 का, तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा बियरिश मूव मिले, जैसा पॉलीमेड और ATGL में मिला, ATGL यानी कि अडानी टोटल गैस में। वहीं अगर जो है बायर्स जो है इतना ही इसे होल्ड करना चाह रहे हैं फ्रेश, जो है सेलर्स अपनी पोजीशन बनाना शुरू करें, तो यहाँ पे जैसे ये लेवल ब्रेकआउट करेंगे 1354 का, तो आपको एक बियरिश मूव दिखेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में, तो शॉर्ट सेलिंग की साइड हम यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। अब इसके जो टारगेट्स होने वाले हैं वो और स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा। और जो आपका जो मिड कैप के स्टॉक्स है वो मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा।